हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो चलिए आइए देखते हैं आज मैं लंच में क्या बनाती हूँ। मुझे यहाँ फ्रिज में मिल गया है पनीर और पालक, तो आज बनाते हैं पालक पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पालक को धो लिया है और ये पनीर को भी, ये रेडी हो गया पालक और पनीर धो के। तो चलिए बनाते हैं पालक पनीर। ये मैंने पालक को ब्लांच करने के लिए, पानी उबालने के लिए रखा हुआ है। पालक को पूरी तरह से नहीं पकाना, बस ब्लांच करना है थोड़ी देर के लिए। फिर ठंडे ठंडे आइस वाटर में इसे फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेना है ताकि इसका रंग एज इट इज़ रहे, रंग चेंज ना हो पकने के बाद भी। ये है मेरा आइस वाटर। अब इसमें मैं पालक डाल लूँगी, इसे ठंडा कर लेंगे फटाफट आइस वाटर में, क्योंकि कहते हैं पालक को ब्लांच करने के बाद आइस वाटर में डाला जाए तो पकने के बाद भी इसका कलर ग्रीन ही रहता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये मैं इसे स्क्वीज़ कर रही हूँ, लेकिन इसे पूरी तरह से स्क्वीज़ नहीं करना है क्योंकि हमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी पालक को ब्लेंड करने के लिए। तो ये हमने पूरा पालक इसमें जार में डाल दिया है। तो ये देखिए अभी तो कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चलिए ब्लेंड करते हैं इसे। तो ये मेरा पालक ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड होने के बाद भी कलर अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं करूँगी पनीर की कटिंग। पनीर मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है, आप चाहे तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, पर मुझे ट्रायंगल शेप पसंद है तो मैंने उसी शेप में कट किया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो तो खाने में भी बड़ा ही मज़ा आता है। ये मैं कर रही हूँ पनीर में थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल, क्योंकि मैं हल्का सा इस पनीर को करूँगी टोस्ट। आप चाहे तो कच्चा भी दे सकते हैं, पर मुझे टोस्ट किया हुआ ज़्यादा पसंद है। डीप फ्राई नहीं, बस टोस्ट करना है हल्का से दोनों साइड से। तो यहाँ मैंने टोस्ट करने के लिए पनीर को रख लिया है। आप चाहे तो इसे पूरी तरह कच्चा दीजिए, उसका भी स्वाद बड़ा ही बढ़िया होता है, पर मुझे टोस्टेड पनीर पसंद है। अब मैं क्या करूँगी, इस पनीर को दूँगी गर्म गर्म पानी के अंदर डाल दूँगी ताकि इसका मॉइस्चर, इसका सॉफ्टनेस बना रहे। ये दे दिया पैन में मैंने थोड़ा सा तेल, ये है जीरा और सौंफ। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें देंगे बटर। यह हमारा जीरा भून चुका है, हमने इसमें बटर दिया है। बटर ढेर सारा दीजिए, उसके बाद ढेर सारा इसमें डालिए गार्लिक, क्योंकि हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी में से टेस्ट आएगा। अब दूंगी अनियन, अनियन और चॉप गार्लिक को अच्छी तरह से भूनेंगे हम बटर में। उसके बाद देंगे थोड़ा सा मसाले, जैसे यह है ज़ीरा, गरम मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। मैंने हल्दी नहीं दिया है क्योंकि हल्दी देने से पालक का कलर जो है वो एज इट इज़ ग्रीन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने हल्दी नहीं दिया। आप चाहे तो दे सकते हैं। यह है मेरा ब्लेंड किया हुआ पालक। अब मैं इस फ्राई किए हुए मसाले में पालक डाल दूँगी। कलर अच्छा लग रहा है, चलिए देखते हैं पकने के बाद कैसा लगेगा। मैंने इसमें नमक दे दिया है थोड़ा सा। नमक आप टेस्ट के अनुसार दीजिए, क्योंकि पनीर में भी थोड़ा सा नमक दिया हुआ है और बटर में भी नमक रहता है। तो अब मैं इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा हैवी क्रीम, ये है फ्रेश अमूल क्रीम। थोड़ा सा दीजिए, काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा, क्योंकि मैंने इसमें भर भर के मसाले नहीं डाले हैं, बस थोड़ा सा मसाला दिया है। फिर भी ये खाने में उतना ही टेस्ट रहेगा। रियली घर पे ट्राई ज़रूर करना एक बार, तब आप लोगों को पता चलेगा इस तरह से सिंपल पालक पनीर भी बहुत टेस्ट होता है। हाँ, इसमें मैंने चिली स्किप किया हुआ है, मुझे पसंद नहीं है। आप इसमें दे सकते हैं रेड चिली पाउडर या फिर कच्चा चिली पालक के साथ ब्लेंड कर सकते हैं आप, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और आप लोग वीडियो देखते तो है लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को जब आप लोग देखें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। तो आज का मेरा रेसिपी था पालक पनीर, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, और आप लोगों को मैं इसी तरह अच्छे अच्छे अपनी रेसिपी लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।